साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस का जो है आंसर की आ चुकी है। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, आंसर के ऊपर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये TAC नंबर क्या है, तो TAC नंबर के बारे में हम बताएंगे, आंसर की आपको कैसे देखना है ये भी बताएंगे, स्टेप बाई स्टेप आपको बताते चलेंगे और अपना जो है आंसर की भी खोल कर दिखाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हमें अपनी आंसर की देखनी है। देखिए अभी हम थोड़ा बाहर हैं, स्टेशन पर हैं, तो थोड़ी बहुत आपको इधर उधर की आवाज़ भी आ सकती है, लेकिन आपको अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको MP जो व्यापम है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसका जो होम पेज है व्यापम का, वो होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। होम पेज में एक नंबर पर सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा, कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसमें कौन कौन सी अभी तक रिक्रूटमेंट टेस्ट हुई है उनके बारे में व्यापम पर बताया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको वो है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020-18-2-2022, इसके बारे में तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगला पेज आपके सामने खुल करके आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा और ये है मेन पेज। यहाँ पर आप जैसे ही पहुँच जाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा आपका रोल नंबर, तो आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा TAC कोड, और यहाँ पर बताया भी गया है कि TAC कोड जो है वो आपकी परीक्षा के प्रवेश पत्र पर अंकित है। अब वो प्रवेश पत्र पर कहाँ अंकित है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अपना यहां पर रोल नंबर भरना है, यहां पर TAC कोड भरना है, उसके बाद में आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी आंसर की खुल करके आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर पहले बता दिया कि आपत्ति आवेदन हेतु प्रति प्रश्न पर आपको ₹50 भुगतान करना होगा। अब कैसे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्योंकि इसमें दिया गया है कि आपको एक देखिए यहाँ पर दिया गया है आपत्तियाँ वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से की जाएंगी, वो लिंक एक्टिव हो जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप आपत्तियाँ कर सकते हैं। तो वो भी हम आपको बताएंगे आपत्तियाँ कैसे आपको दर्ज करानी है, ₹50 कैसे आपको मतलब देने पड़ेंगे। तो हर एक प्रश्न पर आपको आपत्तियाँ नहीं दर्ज करानी है, सारी जानकारी हम आपको देंगे कौन से प्रश्न पर आपको आपत्तियाँ दर्ज करानी है, किस तरह के प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं ये TAC नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो है एडमिट कार्ड खोल लिया है, आपको दिखाते हैं कि TAC नंबर कहाँ पर दिया है। तो देखिए ये आपका एग्जामिनेशन डेट है, इस एग्जामिनेशन डेट के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका TAC कोड दिया हुआ, देखिए ए करके A3506 ऐसे करके TAC कोड दिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से TAC कोड को आपको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपका रोल नंबर ऊपर दिया होगा, देखिए आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ पर भी रोल नंबर दिया रहता है, रोल नंबर मैंने छुपा दिया है, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर दिया रहता है, आप क्या करेंगे, बस आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आप यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर भर दीजिए यहाँ पर, उसके बाद TAC कोड हमने बता दिया, आप TAC कोड यहाँ पर भर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, आपकी जो है आंसर की यहाँ पर खुल जाएगी। देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी आंसर की कुछ इस तरह से खुल जाएगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, तो देखिए स्पष्ट बताया गया कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको येलो चिन्ह दिखाई देगा, जो आपने लिया यानी कि जो आपका आंसर गलत है उस पर आपको कुछ काला इस तरह से चिन्ह दिखाई देगा, और जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको ग्रीन चिन्ह दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी आंसर की चेक कर लेनी है, लास्ट तक आपको पूरा अपना आंसर देख लेना है, आपके कितने नंबर आए अपना डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ में जो प्रश्न आपको गलत लग रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन बाद यहां से ये आपकी आंसर की हटा दी जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ये डाउनलोड भी हो रही है आंसर की, आपको डाउनलोड करके भी रख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्शन वाली वीडियो में, ठीक है। अभी ऑब्जेक्शन की लिंक जो है ओपन नहीं हुई या फिर एक्टिव नहीं हुई है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में ये टेलीग्राम चैनल है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से शिफ्ट में कितने प्रश्न और कौन से प्रश्न गलत हैं, किस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप बस सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पर हमारा ये चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समय समय पर सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अपडेट करते रहेंगे MP पुलिस और अन्य सभी भर्तियों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करते हैं आपकी सभी परेशानी सॉल्व हो गई होगी, कैसे आंसर की चेक करना है, कैसे लॉगिन करना है, सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। बाकी आपको मैंने बताया
बताया है किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत है, उसकी एक हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, और कितने नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में वो भी हम आपको बता चुके हैं। कट ऑफ की वीडियो हम बहुत जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। अब आंसर की आ गई, अब सही डेटा पता चल जाएगा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।